लाइटों का टेंडर काफ़ी समय से पेंडिंग है और हांसी शहर में लाइट की व्यवस्था के बारे में आम नागरिक को पता है कि चारों ओर अंधेरा है, बहुत सी जगह लाइट नहीं है। तो हमने यहाँ टेंडर किए थे एलईडी लाइटों के और बहुत से शहरों में लगी भी है। यहाँ ईओ की कमी रही है कि ईओ पता नहीं किस राजनीतिक दबाव में आकर जो लाइट लगवाना नहीं चाहता। भिवानी में भी लगी है, हिसार में भी लगी है, बहुत से शहरों में लाइटें लगी है। तो हम भी चाहते हैं, हांसी की जनता भी चाहती है और हमारी मनसा काम करने की भी है शहर के अंदर कि साफ सुथरा शहर हो, लाइटें अच्छी लगे, पर लाइटें पता नहीं क्यों नहीं लगवाने दे रहे। हम आग्रह करते हैं सरकार से भी और डीसी साहब से भी कि ये लाइटें जो है ना हमारी लगवाई जाए ताकि शहर को रोशनी मिल पाए और अच्छा शहर लगे, सुंदर शहर। कितने रुपए का टेंडर और कितनी लाइटें लगनी है सर? ये 68 लाख रुपए का टेंडर है सारा का सारा और इस टेंडर में 2700 कुछ लाइटें नई लगनी है। तो हम चाहते हैं कि लाइटें लग जाएगी तो रोशन शहर हो जाए, जगमग शहर बन जाएगा। ये कौन से शहर उस वार्ड में लगनी है? सभी वार्डों की है, 27 के 27 वार्डों की है। और बात रही सफाई व्यवस्था की, हमारे पास सिर्फ 2 ही ट्रैक्टर हैं। डीसी साहब ने अप्रूवल भी दी हुई है कि आप ट्रैक्टर ट्राली का टेंडर लगाओ, लेकिन ईओ साहब की मनसा काम करने की है ही नहीं, वो ट्रैक्टर ट्राली के टेंडर भी नहीं लगा रहा। वो काफ़ी टाइम से चले हुए हैं 2 ट्रैक्टर, तो वो शहर का जो मेन मेन पॉइंट है उनसे कूड़ा उठा लेते हैं। सारी कॉलोनियों के अंदर बुरा हाल है और जनता की जो आवाज़ है वो भी यही है कि शहर की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हो रही। और हमारे को जो है ना बार बार हमने आग्रह भी किया है कि लगाओ ट्रैक्टर ट्राली का टेंडर लगाना बड़ा ज़रूरी है। शहर की सफाई व्यवस्था स्वच्छ अभियान चलाया हुआ है लेकिन पता नहीं गौर क्यों नहीं कर रहे, किस दबाव में है ये ईओ, ये काम नहीं करना चाहता। अगर इसकी काम करने की मनसा नहीं है तो अपनी बदली करवा जाए। छुट्टी पे चल रहे हैं, छुट्टी काफ़ी टाइम से छुट्टी से पे चल रहे हैं और यहाँ हम सुबह आते हैं, आम जनता का यहाँ आना जाना रहता है क्योंकि शहर की आम जनता की ये नगर परिषद है और यहाँ बड़ी तंग अधिकारी के बगैर तो परेशान होते हैं सारे के सारे। और कर्मचारी जो हैं वो टाइम पे आ रहे हैं यार? कर्मचारियों की यहाँ कमी है, अभी हमने बात की है कि आउटसोर्सिंग 2 जई लेके आए क्योंकि अभी तक जो CM अलाउंस का काम सारा का सारा बकाया पड़े, कुछ काम हो नहीं रहा बगैर अधिकारियों के। हमने राजीव जैन जी से भी कहा था इस बारे में, जब कविता जैन जी हमारी निकाय विभाग की मंत्री जी आई थी तो हमने उनसे भी प्रार्थना की थी कि आप हमारे यहाँ अधिकारी पूरे करो ताकि हम शहर का अच्छा विकास कर पाए। कितने यही कहा था जी, हम तो ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्टाफ पूरा हो जाए, अगर स्टाफ पूरा हो जाए तो काम धकाधक चलेगा, शहर का अच्छा विकास हो पाएगा। लेकिन ठीक मात्रा में तो अधिकारी यहाँ होने चाहिए जिससे हम काम भी चला सकें, तो हमारा काम ही नहीं चल रहा है बगैर अधिकारियों के। नगर परिषद खाली पड़ी आप देख रहे हो सारा का सारा, हमारे पास बिल्डिंग इंचार्ज काफ़ी समय से नहीं है, जो शहर में नक्शे पास करने में बड़ी दिक्कत आती है, नक्शे वालों की फाइलें 6-6 महीने साल से 2-2 साल से यहाँ पेंडिंग पड़ी है, उनको हम क्या जवाब दें? ईओ की ट्रांसफर की भी कोई मांग की थी कविता जैन के सामने? हमने कहा था यह तो ये अपना रवैया सुधार ले, अगर रवैया नहीं सुधारता तो इसकी ट्रांसफर कर दो ताकि हम शहर का अच्छे ढंग से विकास कर पाए। कोई एक्शन हुआ उस पर? उस पर एक्शन, देखो एक्शन तो लेंगे, वो हमने बात करी है परसों, 2-3 दिन पहले भी मैंने राजीव जैन जी से फ़ोन किया था कि आप इस पर एक्शन लो जी, शहर के अंदर विकास नहीं हो पा रहा, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं।